हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल बेस्ट आइडिया पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्यूब। क्यूब को हम हिंदी में घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। अगर हमको किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है तो कम से कम हमको 1 to 10 तो क्यूब लर्न होने ही चाहिए। 1 से 10 तक क्या होना चाहिए? क्यूब लर्न होने चाहिए, जिससे कि हम किसी भी क्यूब को बहुत ही जल्दी यानी कि आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं, हम निकालते हैं 12 का क्यूब। इसका क्यूब 12 का क्यूब। अब हम 12 का क्यूब निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले देखना है 1 क्या है। 1 जो 1 है, इस 1 का ही क्यूब निकालना है। 1 का क्यूब क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है? 2 है हमारे पास, क्या है? 2। 2 का क्यूब निकालना है। 2 × 2 × 2 2 × 4 × 4 × 2 = 8 2 × 2 = 4 × 4 = 8 यहां पे लिख दिया 8। लेकिन हमको क्या करना है? जो मैं लास्ट वाली डिजिट है, कितनी डिजिट है लास्ट वाली डिजिट है, वो क्या करना है? 3 होनी चाहिए। कितनी? 3। हमारे पास थी कितनी? 1। हमने 2 अपने पास से क्या लगा दी? 0 लगा दी। जो हमारी लास्ट वाली डिजिट कितनी हो गई? वो हो गई 3। हो गई ना 3। अब हमारे पास हो गया 1008। कितना हो गया? 1008। अब क्या करना है? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 1 × 2 = 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। 6 को अब जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं ना, उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम निकाल रहे हैं 12 का, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 72। 72 को यहां पीछे से एक संख्या छोड़ करके यहां पे रख दो और इन दोनों को प्लस कर दो। 8 2 7 1 1 7 2 8 1 7 2 8 is right answer। हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे एक बड़ी डिजिट लेते हैं। अब हमने ले लिया 14। क्या ले लिया? 14। 14 में क्या करना है? 14 का क्यूब निकालना है। क्या करना है? 14 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 के क्यूब 1 ही हो जाएगा। उसके बाद 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4 4 × 16 = 64 यानी कि 64। यहां पे हमारे पास कितनी डिजिट आ गई? 2 आ गई ना। कितनी आ गई? 2। लेकिन हमको लेनी कितनी है? 3 लेनी है। कितनी लेनी है? 3। इट मीन्स 10 रख देंगे हम। हो गई पूरी 3। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करना है हमको? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 4 = 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई। 4 × 3 = 12। क्या आ गया? 4 × 3 = 12। अब 12 को जिस संख्या के हम क्यूब निकाल रहे हैं 14, उससे मल्टीप्लाई करना है। 12 × 4 = 48 12 × 12 168 168। अब 168 को कहां पे रखना है? एक संख्या छोड़ दो, यहां पे रख दो। इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों क्या करना है? प्लस करना। क्या आ जाएगा? 4 4 7 2 2 7 4 4 2 7 4 4 इज राइट आंसर। अब हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन लेंगे। अब की बात ले रहे हैं हम 18। क्या ले रहे हैं? 18 का क्यूब निकालेंगे। किसका क्यूब निकालेंगे? 18 का। सबसे पहले क्या करना है? 1 का क्यूब कितना हो गया? 1। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा आप बताओ? 512। कितना हो जाएगा? 512 512। कितनी डिजिट आ गई? 3 आ गई ना। जरूरत कितने की थी? 3 की थी। तो अब हमको क्या करना है? कोई भी जीरो वगैरह नहीं रखनी है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 8 से 8 और 8 को 3 से 24। 1 को 8 से 8 और 8 को 3 से 8 = 24। 24 को जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं 18 से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 32 का 2 का हासिल लगी 3। 8 × 2 = 16 और 9 × 3 = 19। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करना है? 20 × 4 = 24। इनको कर दो 2 3 2 और 1 3 और 4 4 3 2। क्या आ गया? 4 3 2। उसको कहां रख देंगे? एक संख्या छोड़ दो, यहां पे रख दो 4 3 2। इनको प्लस कर दो 2 3 8 5 इज राइट आंसर। 5832 इज राइट आंसर। अब क्या करना है? ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन चेंज करते जाने, उनका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। सेम एज करना है, जो ये ट्रिक है अपनी
जो हम पढ़ रहे हैं वो कहां पे फॉलो होगी, वो 1 to 100 यानी कि 1 से 100 तक के हम क्यूब निकाल सकते हैं ऐसी ही ट्रिक के साथ आसानी से। अब हम कोई डिजिट ले लेते हैं, अब हम लेते हैं बड़ी डिजिट, क्या लेंगे 26, क्या लेंगे 26। 26 का क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, उसके बाद 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 6 × 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 216, कितना 216, 3 डिजिट थी कोई नहीं लेनी है। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 से कितना हो गया 12 और 12 को 3 से कितना आ गया 36, 36 को 26 से करना है, 26 कहां से आया जिस संख्या का हम क्यूब निकाल रहे हैं, 6 × 36 का 6 कहां से लगी 3, 6 × 18 = 21 और 6 × 12 का 2 का 3 × 6 = 7 यहां पे आ गया हमारा 6 × 3 = 936। अब हम यहां पे एक संख्या छोड़ देंगे 6 × 3 = 9 यहां कर देंगे 6, 7, 5 और 17, 576 राइट आंसर, 17576 इज राइट आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, लास्ट क्वेश्चन है 82, क्या है 82, 82 का क्यूब निकालना है, किसका क्यूब निकालना है 82 का क्यूब, सबसे पहले क्या करना है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना आ जाएगा 512, उसके बाद 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, कितना आ गया 8, लेकिन हमको करनी कितनी डिजिट है 3, कितनी करनी है 3, कितनी कम है 2, तो 2 जीरो रख दी, उसके बाद 8 को 2 से 16, 16 को 3 से, 16 किससे करना है 3 से, कितना जाएगा 48, 48 को 82 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से 82 से, 82 कहां से आया इस संख्या का हम क्यूब निकाल रहे हैं, इस संख्या का हम क्यूब निकाल रहे हैं 96, कितना आ गया 3936। अब इसको एक संख्या छोड़ दो यहां पर रख दो 8, 6, 3, 1 और 5, 5 551 368 इज राइट आंसर, 551 368 इज राइट आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।